वही रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी एनिमल रफ्तार बुलेटिन ट्रेन बन गई है। जबरदस्त चर्चा के बीच शुक्रवार को मूवी थिएटर्स में रिलीज कर दी गई। इसके साथ ही एनिमल का रिव्यू भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर दर्शकों ने एनिमल के फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से लेकर म्यूजिक एक्शन और इमोशन तक हर पल को लेकर अपनी राय शेयर की है। अगर आप भी एनिमल देखने की प्लानिंग कर रहे हैं और टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो यहाँ एक बार ट्विटर रिव्यू जरूर देख लें। और जेब ढीली करने से पहले ये जानना जरूर है कि आखिर रणबीर कपूर की जो मूवी में दमदार परफॉर्मेंस दी है ये फुस साबित हुई है या फिर जबरदस्त साबित हुई है, ये देख जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। एनिमल को रिव्यू करते हुए एक यूजर ने कहा, दशकों बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एनिमल बहुत बड़ी हिट मूवी होने वाली है। संदीप रेड्डी वांगा हर पैमाने पर खरे उतरे हैं। रणबीर कपूर की एक्टिंग एक अलग लेवल की है, इस मूवी को जरूर देखें। एनिमल के फाइट सीन को लेकर एक यूजर ने कहा, इस फाइट सीन थिएटर्स में तहलका मचा दिया और म्यूजिक के साथ बीजीएम तो खतरनाक है। संदीप रेड्डी वांगा, आपने तो सच में भी बीजीएम के साथ हमारे होश उड़ा दिए। पूरी मूवी खत्म करने के बाद एक यूजर ने एनिमल को लेकर कहा, रणबीर कपूर वन मैन शो है, बाप बेटे की इमोशनल कहानी है, बेस्ट इंटरवल इंडियन सिनेमा में एक धमाका, क्लाइमेक्स बिल्कुल हटकर है, बीजीएम और स्क्रीन प्ले आग लगा देने वाला है और इस मूवी को थिएटर्स में देखने से बिल्कुल भी ना चूके। सेकंड हाफ पहले से बेहतर है। और एनिमल का एक सीन शेयर करते हुए एक यूजर ने ये कहा, भाई ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है।